दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेविट को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जो रेविट की फैमिली होती है या रेविट की लाइब्रेरी होती है बाय डिफॉल्ट किस पाथ पे जाके सेव होती है? तो इस वीडियो में मैं आपको वही बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो फैमिली टेम्पलेट होते हैं, जैसे हम अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये वाले टेम्पलेट, या फिर जो इसकी फैमिली होती है लोड फैमिली, उसका डिफॉल्ट पाथ क्या होता है उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। जैसे कंपोनेंट पे जाते हैं और लोड फैमिली पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास ये वाली फैमिली ओपन हो जाती है। तो इसका पाथ क्या होता है? ये जो होता है, आप सी ड्राइव पे जाएंगे और अगर आपका सी ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम डाटा आएगा, अगर आपको प्रोग्राम डाटा नजर ना आए तो इसका मतलब आप फोल्डर या सर्च ऑप्शन पे जाएं, व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे डोंट शो और हाइड फाइल पे क्लिक होगा। इस तरीके से तो आपको प्रोग्राम डाटा दिखाई नहीं देगा। तो आपको दोबारा से जाना है चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे, व्यू पे क्लिक करना है, शो हिडन फाइल पे क्लिक करना है। ओके करेंगे तो आपका प्रोग्राम डाटा यहाँ पे शो होगा। डबल क्लिक करें, यहाँ पे जाएं ऑटो डेस्क पे, उसके बाद रेविट का जो भी आपके पास वर्जन है, मेरे पास 19 भी है, 21 भी है, तो यहाँ पे लिखाएगा RVT 2021, आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप अपनी कंप्लीट लाइब्रेरी को देख पाएंगे। इंग्लिश इंपीरियल, इंग्लिश वाली जो आपकी मैट्रिक लाइब्रेरी है, इंपीरियल लाइब्रेरी जो आपकी फीट और इंचेस वाली लाइब्रेरी है वो आप देख पाएंगे, और उससे अलग आप क्या देख पाएंगे, कंप्लीट फैमिली टेम्पलेट देख पाएंगे। इंग्लिश जो आपकी मैट्रिक के टेम्पलेट है, और जो इंग्लिश इंपीरियल है जो आपके इंपीरियल टेम्पलेट है फीट और इंचेस वाले, वो आप इजिली यहाँ से देख पाएंगे और उनको यूज कर पाएंगे। तो ये है कि कहाँ से आपको फैमिली टेम्पलेट्स और ये आपकी जो मैट्रिक फैमिली होती है, जो आप फैमिली क्रिएट करते हो जिसकी हेल्प से, वो भी सारी आपकी यहीं पे आके सेव होंगी। और अगर आपका यहाँ पे आके सेव ना हो तो आपको वो इंडिविजुअली डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल से। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।